एक्स प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, शरद यादव जी, शरद पवार जी, ऑपोजिशन पार्टीज के हमारे सब सीनियर नेता, प्रेस के हमारे मित्रों, भाई और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने देश की जनता से, देश के युवाओं से, देश के किसानों से अलग अलग वायदे किए थे। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, किसानों की रक्षा करने की बात की, माताओं और बहनों की रक्षा करने की बात की। जहां भी वो जाते थे कोई ना कोई वायदा करके आ जाते थे। और 2014 में काफी लोगों ने उनका भरोसा किया और उनकी सरकार बनाई। 4 साल हो गए और देश को साफ दिखाई देने लग गया है कि बीजेपी की सरकार ने क्या किया है। नरेंद्र मोदी जी कहते थे 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जो 70 साल में नहीं हुआ वो हम 4 साल में करके दिखा देंगे। और सचमुच में जो उन्होंने 4 साल में किया 70 साल में नहीं हुआ है। जहां भी आप देखो, एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ रहा है। जहां भी जाते हैं किसी ना किसी को तोड़ने का काम करते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाने का काम करते हैं। रुपए का जो दाम है, जो कमजोरी है, 70 साल में इतना कमजोर नहीं रहा है रुपया। पेट्रोल डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम 80 रुपए से ज्यादा, डीजल का दाम 80 से थोड़ा कम। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी घूमते थे, कहते थे देखो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। और आज नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं कहते हैं। गैस 400 रुपए से थोड़ा कम होता था, आज 800 रुपए का गैस हो गया है, नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं कहते। किसान आत्महत्या करते हैं, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते। बलात्कार होता है, बीजेपी के एमएलए उसमें शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। देश जो सुनना चाहता है, युवा जो सुनना चाहता है, उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहेंगे। स्वच्छ भारत की बात करेंगे, पूरे देश में टॉयलेट बना दिए हैं, टॉयलेट में पानी नहीं। पता नहीं कौन सी दुनिया में है, भाषण देते रहते हैं और देश उनको देखकर तंग आ गया है। दुख है, किसान को रास्ता नहीं दिख रहा है, मजदूरों को रास्ता नहीं दिख रहा है। रास्ता हिंदुस्तान में आज सिर्फ 15-20 लोगों को दिखाई दे रहा है, वो है सबसे बड़े हिंदुस्तान के क्रोनी कैपिटलिस्ट। किसान का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता है, मगर एक उद्योगपति को 45,000 करोड़ रुपए का तोहफा दिया जा सकता है, फ्री गिफ्ट दिया जा सकता है। पार्लियामेंट हाउस में राफेल पे सवाल उठाए जाते हैं, प्रधानमंत्री सवाल का जवाब नहीं दे पाते। और हिंदुस्तान के युवाओं को यह सुनना चाहिए, ये जो पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक मित्र को दिया है, ये उनका, ये नरेंद्र मोदी जी का पैसा नहीं है, ये उनके मित्र का पैसा नहीं है,
ये 45,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के युवाओं का, हिंदुस्तान के किसानों का पैसा है, और अगर ये चोरी हुई है तो ये आपके जेब से हुई है, आपका पैसा आपसे छीना गया है। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की बात की, सब छोटे बिजनेसेस को, छोटे दुकानदारों को, मिडिल साइज बिजनेसेस को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, और आज तक नहीं समझा पाए हैं कि नोटबंदी के पीछे क्या लक्ष्य था। कहा था काला धन मिटा देंगे, पता लगा हिंदुस्तान के सब चोरों का काला धन सफेद हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स, मनमोहन सिंह जी बैठे हुए हैं, शरद पवार जी, शरद यादव जी बैठे हुए हैं। सोच थी कि हिंदुस्तान को एक टैक्स दिया जाए, 5 अलग अलग टैक्स दे दिए, भ्रष्टाचार बढ़ा, और आप किसी भी छोटे दुकानदार के पास जाइए, किसी भी छोटे बिजनेसमैन के पास जाइए, पूछिए उससे गब्बर सिंह टैक्स ने उससे कितने पैसे लिए, वो स्वयं आपको बताएगा। मगर इसके बारे में नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं कहते। ये है देश की सच्चाई। और खुशी की बात है कि आज यहां स्टेज पे पूरे के पूरे विपक्षी दल एक साथ खड़े हुए हैं बैठे, और ये एक रिफ्लेक्शन है, विचारधारा एक है, और हम एक साथ मिलकर, सब एक साथ मिलकर बीजेपी को हराने जा रहे हैं। मगर दुख की बात है, और जो दुख देश की जनता में है वो हम सबके दिल में है, जो दुख किसानों के दिल में है, युवाओं के दिल में है, हमारी माताओं बहनों के दिल में है, वो इन सब नेताओं के दिल में है, मगर नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के नेताओं के दिल में नहीं है। ये फर्क है हम में और उनमें। और हम आपको यहां से वायदा देते हैं कि हम सब मिलकर एक साथ बीजेपी को हटाने का काम करेंगे। जो हमारे सीनियर नेता यहां आए हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। प्रेस के हमारे मित्रों, मैं जानता हूं आपको भी काफी कठिनाइयां होती हैं आजकल, आपको भी झिझक के लिखना पड़ता है, थोड़ा डर के लिखना पड़ता है, मगर ये जो यहां लोग खड़े हैं, यहां जो लोग बैठे हैं, ये आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। जो आप लिखना चाहते हो आप दिल से लिखो, जो आप कहना चाहते हो आप खुल के लिखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा देश आपके साथ है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।